Hello, I am Neetu Nigam and welcome to my channel, My Paathshala by Neetu Nigam. अगर आपका बच्चा क्लास फर्स्ट में है या क्लास फर्स्ट में जाने वाला है और आप जानना चाहते हैं कि क्लास फर्स्ट में किस प्रकार के ओलंपियाड एग्जाम होते हैं और उनसे रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो में मैं यही आपको बताने वाली हूँ। ये ओलंपियाड एग्जाम NSTSE ओलंपियाड एग्जाम के बारे में हम जानेंगे जो यूनिफाइड काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ली जाती है। यहाँ पे क्लास फर्स्ट से क्लास ट्वेल्थ तक के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बाकी इसकी डिटेल्स वीडियो मैंने यूनिफाइड ओलंपियाड की अपने चैनल पर डाल रखी है, उसे आप अवश्य चेक करें। तो आज हम पैटर्न, क्वेश्चन का पैटर्न आपके सामने लेकर आए हैं क्लास फर्स्ट के लिए साइंस सब्जेक्ट से। साइंस सब्जेक्ट में बच्चों को साइंस ओलंपियाड में मैथ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल नंबर्स ऑफ क्वेश्चन 40 होते हैं, जिसमें मैथ से 15 क्वेश्चंस होते हैं और साइंस से 25 क्वेश्चंस होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास फर्स्ट के यूनिफाइड ओलंपियाड के। पहला क्वेश्चन नंबर है, चूज द करेक्ट ऑप्शन स्टिक। दो हाउस दिए गए हैं और पूछा जा रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द टू हाउस इज स्टिक्स, कितने स्टिक्स हैं। तो यहाँ पर हम इस प्रकार काउंट कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पे ऑप्शन सी, 7 स्टिक जो है यहाँ पर, द डिस्टेंस बिटवीन टू हाउसेस इज 7 स्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ऋषि इन द लाइन। लाइन में ये लोग खड़े हैं और ऋषि यहाँ पे खड़ा है, तो इसकी पोजीशंस क्या होगी। तो चलिए लेफ्ट से हम काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4। राइट से काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4। दोनों साइड से, लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड से उसकी प्लेसेस जो है फोर्थ पोजीशन पे है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर फोर्थ पोजीशन, ऋषि टेक्स फोर्थ प्लेस इन द लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द गार्लैंड। लेंथ इसमें गार्लैंड की लेंथ कितनी है, ये 2 सेंटीमीटर दिए गए हैं, तो इसी प्रकार इसको हम कर सकते हैं, 2 सेंटीमीटर फिर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो टोटल लेंथ ऑफ हो जाएगा ये कितने हैं, 2 है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 6, इसका तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 12। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, 12 लेंथ ऑफ गार्लैंड, टोटल लेंथ ऑफ गार्लैंड इज 12 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। विच कंटेनर होल्ड मोर क्वांटिटी ऑफ वाटर। कौन से कंटेनर में सबसे ज्यादा क्वांटिटी वाटर आएगा, ए बी सी एंड डी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ड्रम। ड्रम में सबसे ज्यादा पानी आएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अमॉन्ग ऑल ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। चूज द नंबर डैट रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे बॉटल दिए गए हैं, तो यहाँ पे देख लेते हैं कितने बॉटल से कितने बॉटल को माइनस किया गया, तो ये कितने बॉटल है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये नंबर्स ऑफ 7 हो गए और ये हो गए 1, 2, तो माइनस 2, 7 मैंने से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5 बॉटल्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 बॉटल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हम देखते हैं, इन विच सीजन आर दीज आइटम यूज। यहाँ पे क्या है आइटम्स,
सबसे पहले हम आइटम्स को समझेंगे। यहाँ से अभी इसका जनरल साइंस या साइंस के क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाते हैं। इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन के पैटर्न रहेंगे। चलिए देख लेते हैं। ये इमेज दिया गया है और ये बताना है कि विच सीजन दिस आइटम्स आर यूज्ड। आइटम्स क्या है ये? ये हो गया आपका रेनकोट, अम्ब्रेला और गमबूट्स। ये तीनों ऑप्शंस जो है आपके कब यूज़ होते हैं? रेनी सीजन में यूज़ होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, रेनी सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ दिस क्लिम्बर्स, इसमें से कौन सा क्लिम्बर्स का पौधा है? चलिए इसमें देख लेते हैं। विच ऑफ दिस क्लिम्बर्स, ये मैंगोज हो गए, कोकोनट, एंड ये हमारा हो जाता है, और कौन कौन से ट्री है ये देख लेंगे। ये हो जाएगा ग्रैप वाइन, ये अंगूर। ग्रैप वाइन इज द क्लिम्बर्स। क्वेश्चन क्या हो रहा है? विच ऑफ दिस क्लिम्बर्स, तो क्लिम्बर्स पौधा कौन है? ऑप्शन डी, ग्रैप वाइन इज द क्लिम्बर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। कंप्लीट द गिवन कोरिलेशन। मैंगोज, सॉरी, रोज सर्व हो रहा है तो मैंगोज क्या होगा? मैंगोज हमारा एक ट्री है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। Which option does not move on its own? कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है जो अपने आप मूव नहीं कर सकता है? चलिए इसको हम देख लेते हैं, कौन अपने आप मूव नहीं कर सकता है। सो कैट, चाइल्ड, बटरफ्लाई एंड काइट, इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो खुद मूव नहीं कर सकता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर काइट। A kite is non-living things that does not move. Next question number 10. Which option give us heat and light? इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो हमें लाइट और हीट दोनों देता है? पहला हो जाता है मून, सन, और नेक्स्ट हो जाता है हमारा सैटेलाइट एंड प्लैनेट। तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, सन। सन जो है, द सन गिव्स अस हीट एंड लाइट। तो ये थे क्लास फर्स्ट के साइंस के मॉडल पेपर यूनिफाइड ओलंपियाड के। तो आई होप ये आपको पसंद आया हो और एक रफ आइडिया आपको मिल जाती है कि किस प्रकार बच्चों को इस एग्जाम में तैयारी करवानी है। इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू, गुड बाय।